सीतामढ़ी के महामेट्रो स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हैंड वॉश और पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से यात्रियों के लिए हाथ धोने के लिए ना पानी है और ना ही हैंड वॉश, जिससे महामेट्रो प्रबंधन अपने यात्रियों का कितना ध्यान दे रही है इस बात का नजारा यहाँ की लचर हालत से उजागर हो रहा है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे की ये रिपोर्ट। यूँ तो मानव इतिहास में कई ऐसे साल गुजरे हैं जब किसी महामारी ने पूरी दुनिया में अपना आतंक मचाया हो, लेकिन शायद साल 2020 इस मायने में ज्यादा डरावना रहा कि अब तक के इतिहास में यह पहला ऐसा साल है जब करीब करीब पूरी दुनिया एक साथ इस महामारी की शिकंजे में दबी कांपती कराहती रही। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या विकसित, क्या विकासशील, कोरोना के तांडव से कोई भी देश बच नहीं पाया। सच तो यह है कि विकसित और ताकतवर देशों को कोरोना ने लगता है जानबूझकर अपना ज्यादा ही भयानक रौद्र रूप दिखाया है। वुहान से आए कोरोना महामारी ने भारत में भी दस्तक दी है। भारत के कई राज्यों और शहरों में कोरोना ने कई लोगों को अपनी आगोश में लेकर मौत की नींद सुलाई है। यदि नागपुर की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कई एहतियात कदम भी उठाए थे, जैसे सैनिटाइजर, मास्क और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के लिए हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, पानी के ड्रम की व्यवस्था भी करने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं, लेकिन इस पर अभी भी अमल नहीं हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी के महामेट्रो स्टेशन की, जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग महामेट्रो से सफर करते हैं। महामेट्रो में सफर करने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। करोड़ों रुपए खर्चा कर महामेट्रो निर्माण किया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर महामेट्रो प्रबंधन उदासीन दिखाई दे रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी महामेट्रो स्टेशन पर लोगों को हाथ धोने के लिए नाम मात्र एक पानी का बड़ा ड्रम और हैंड वॉश के नाम पर खाली हैंड वॉश बोतल दिखाई दे रही है। ना हैंड वॉश है और ना ही पानी। इस और महामेट्रो प्रबंधन ने ध्यान देना बेहद जरूरी है। दर्शकों, नागपुर के इस महामेट्रो के स्टेशन बल्ली में हम आए हुए हैं और इन मिशन की टीम आज आपको एक बात का खुलासा करने जा रही है कि जिस तरह से महामेट्रो जो काफी अच्छे काम के लिए जाना जाता है और लोगों का जहाँ दिल जीत रही है, मगर वही एक काम उनकी ओर से अच्छा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका हाथ धोने का पानी और हाथ धोने का साबुन के नाम से ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, ये पांव धोने के बाद पानी नहीं आता। और आप देखिए, ये मैं पांव से दबा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी ऐसे हाथ धोने का कोई सोप या कोई ऐसा शैम्पू पाउडर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं लोगों से खिलवाड़ है। कोरोना का कार्यक्रम चालू है, कोरोना के इस कार्यकाल में संक्रमण को रोकने के लिए जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन ये कहती है कि हाथ साफ करना चाहिए, सैनिटाइजिंग करना चाहिए, मगर अफसोस कि इतने बड़े महामेट्रो के स्टेशन में आज ये अपने बदहाली पर आंसू बहाता हुआ ये ड्रम, ये नल और ये शोकेस दिखाई दे रहा है। इस ओर मेट्रो प्रशासन जल्द से जल्द ध्यान दे और इसमें पानी भरे, इसमें साबुन भी लगाए और यहाँ से ये पूर्व काम अच्छे से होना चाहिए ताकि अपने लोग हाथ पांव धो के कम से कम अपने कोरोना का बचाव कर सकते हैं। मगर अफसोस कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस ओर प्रशासन जागे, प्रशासन ने अपने खुली आंखों से ये चीज देखे और लोगों की सुविधा के लिए जब ये काम करेंगे तब कहीं महामेट्रो काफी अच्छा काम कर रही है ऐसा कह सकते हैं, वरना महामेट्रो का काम भी ढाक के तीन पांच जैसा ही नजर आ रहा है। महामेट्रो स्टेशन से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़, नागपुर।